देखिए, सरकार ने निमंत्रण दिया था किसान संगठनों से मिलने के लिए, वो आए, वार्ता भी बहुत अच्छी हुई और अगली वार्ता का समय भी रविवार का तय हुआ है। मुझे पूर्ण विश्वास है रविवार को भी अच्छे वातावरण में बातचीत होगी और इन मुद्दों के हल के लिए हम आगे बढ़ेंगे। जहां तक आपने पूछा कि केंद्र ने क्या किया, कुछ विपक्षी दल सवाल उठा रहे हैं, मैं इतना ही कहूँगा, अगर 5-6 मुद्दों को देखा जाए, खाद, पानी, MSP पर खरीद या फिर बैंकों से ऋण से लेके मुआवजे तक, इन सभी पहलुओं पर जो मोदी सरकार ने किया है वो आज तक किसी सरकार ने नहीं किया। 7 लाख करोड़ रुपया 2013-14 में ऋण दिया था कांग्रेस के समय, मोदी जी की सरकार के समय पिछले साल 20 लाख करोड़ से ज़्यादा ऋण मिला। इनके समय कोई मुआवजा नहीं मिला प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का, हमारे यहाँ पर 1.5 लाख करोड़ से ज़्यादा, 1,54,000 करोड़ का मुआवजा मिला। कुल खरीद MSP के अंतर्गत UPA के 10 साल में 5.5 लाख करोड़ की हुई गेहूं, धान, दलहन, तिलहन की, मोदी जी की सरकार में 18,39,000 करोड़ की हुई। इनके समय सिंचाई योजनाएं बंद पड़ी थी, हमारे समय 15,511 करोड़ पे खर्च हुआ। यही नहीं, इनके समय बजट 27,662 करोड़ था, हमारे समय बजट 1,25,000 करोड़ एक साल का है, यानी कि 1 लाख करोड़ रुपया एक साल का ज़्यादा, 5 गुना ज़्यादा बजट। ये अपने आप में दिखाता है कि हर क्षेत्र में, यहाँ तक कि खाद के ऊपर भी 3 लाख करोड़ की सब्सिडी सालाना मोदी सरकार देती है, किसानों को ऊपर बोझ नहीं पड़ता और MSP के दाम भी बेहतर मिलते हैं, खरीद भी दुगनी से ज़्यादा होती है। कुल मिलाकर किसान को संपन्न समृद्ध बनाने का काम मोदी सरकार की ओर से प्रयास हुए और स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को भी लागत प्लस 50% मुनाफा, ये हमने ही सुनिश्चित किया है। मैं इतना ही कहूंगा, इसको राज्यों के मुद्दे में ना लेके जाए। अगर मैं अब ये कहूं कि जब कांग्रेस की सरकार राज्य में थी तब दिल्ली से अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री होने के नाते कहते थे कि पंजाब भी MSP लागू क्यों नहीं करता, भगवंत मान जी भी उस समय बड़े बड़े सवाल खड़ा करते थे, लेकिन आज वो स्वयं मुख्यमंत्री, उनकी अपनी सरकारें हैं, तो क्या उसका जवाब वो देंगे। और दूसरा, कानून व्यवस्था राज्य का विषय है, उनको अपने यहाँ पर कानून व्यवस्था बनानी है। मुझे पूर्ण विश्वास है प्रदर्शनकारी भी कोई हिंसा, आगजनी, तोड़फोड़ नहीं करेंगे और राज्य की सरकार भी आंदोलन शांतिपूर्वक होगा तो वैसे ही व्यवहार करना चाहिए। सिर्फ लोग